अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान खुद को जनता का सेवक बताते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली सरकार बताया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर पुराना है और जब मौका चुनावी समय का हो तो विपक्षी दल पर कीचड़ उछालने और खुद की उपलब्धियां गिनाने से नेता पीछे नहीं रहते। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला शहर के पद्मधर पार्क में, जहां भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए अपने शासनकाल में सत्ता का सुख ना भोगते हुए लोगों की सेवा करने वाला कहा, वहीं वर्तमान सरकार को गरीबों के मुख से निवाला छीनने वाली सरकार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मृत्यु के बाद दिए जाने वाले पैसे बंद कर दिए, तो वहीं गरीब महिलाओं को बच्चे जन्म के पहले व बाद में दी जाने वाली राशि भी वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता के संघर्ष की शुरुआत विंध्य क्षेत्र से होगी, जिसका शंखनाद मैं करूँगा। सभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी पढ़ते नजर आए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में 8 सीटों को जीतने वाली भाजपा सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को कायम रख पाती है या फिर नहीं। भले कांग्रेस के लोगों को दिखाई न दे, लेकिन अंधों को भी दिखाई देगा। जब वो रीवा से सिंगरौली जाएंगे चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन का काम हो रहा है। जहाँ पे पुल बनना है पुल बन रहा है, जहाँ पे सुरंग बनना है सुरंग बन रही है। इससे ज्यादा किसी सांसद से रीवा से नई और नई ट्रेनें चलनी चाहिए। 3 ट्रेनें जनार्दन मिश्रा जी ने चला दी, एक राजकोट के लिए, एक सूरत के लिए, एक दिल्ली के लिए। जब हम लोगों ने कहा कि बम्बई के लिए भी जनार्दन जी ट्रेन चलाना है, ये जबलपुर से जो गरीब रथ जाता है मंत्रालय में बात किया तो उन्होंने कहा कि सतरा से रीवा की रेलवे लाइन सिंगल लाइन है, जब तक ये डबल लाइन नहीं होगी तब तक अब और ट्रेनें रीवा के लिए मंजूर करना संभव नहीं है, चलाना संभव नहीं है। तो जनार्दन जी फटकर नेता है, उन्होंने कहा कि सिंगल लाइन है तो डबल लाइन करो भाई। तो रेलवे वालों ने कहा कि 450 करोड़ रुपया लगेगा, इतने आसानी से नहीं होगा। तो मुझे आज ये कहते हुए आज सबकी ओर समझ रीवा से सिंगरौली की रेल, रीवा से सतरा रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम 90% पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो गया है। आने वाले दिनों में बम्बई से सीधे यहाँ ट्रेन जाएगी और तमाम तरह जो चौतरफा ट्रेन चलाने की जरूरत है। तो हमारे विकास का मूल आधार होता है, उसका लक्ष्य हम लोग प्राप्त करें। ये सिद्ध किया है कि अगर कोई विंध्य की धरा की सेवा करता है, विंध्य की जनता की सेवा करता है, तो सेवक जितना देता है बिंदु से दुगना लौटा देता है। मैं फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। रीवा में 8 में से 8 ये चमत्कार से कम नहीं है। एक वचन मैं आपको देता हूं बहनों, मैं पद का लोभ ही नहीं हूं, मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं। 13.5 साल भी कुर्सी पर बैठ के मैंने अनुष्ठान किया जनता की सेवा का, मैंने तपस्या की, मैंने सत्ता का सुख नहीं होगा कभी। केवल एक ही धुन रहती थी कैसे और अपनी जनता के लिए बेहतर करूं। और आज मैं फिर वचन दे रहा हूं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। यह बिगड़ती है लेकिन आपका शिवराज आपको वचन देता है, जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे और मेरी सांस चलेगी मैं विंध्य की जनता की सेवा करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। सेवा केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के नहीं होती। अरे अभी तक कलम की ताकत से काम करते थे, नहरों के काम ठप हो गए, सिंचाई की योजनाएं बंद पड़ रही है, विकास बाधित किया जा रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है।
अंतिम संस्कार के 5,000 रुपए तक छीन लिए। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद जो 12,000 रुपया मैं देता था ताकि मेरी गरीब गुरबा बहन, वो पैसे भी इस सरकार ने छीन लिए, कांग्रेस की सरकार। मुझे तकलीफ होती आज ही मेरे पास, सब रोज सवेरे गिरीश गौतम बैठे, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी, अलग अलग पेशेंट आते मेरे पास, वो कहते हैं मामा इलाज करवा दो। मैं बेबस हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को बिना इलाज के नहीं रहने दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। ये कबाड़ गरीबों के मुंह से रोटी के निवाले छीने जाते, और इसलिए चुनाव के बाद विंध की धरा पर ही भीषण संघर्ष की शुरुआत होगी। जनता के संघर्ष का शंखनाद मैं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी।